हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, जब भी कभी बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो या फिर किक से स्टार्ट नहीं हो, आप देखते हो कि आजकल के बहुत सारे बाइक में किक नहीं दिया जाता, बहुत सारे में सेल्फ भी नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है 2007 मॉडल हीरो होंडा पैशन प्लस का और यहाँ पर सेल्फ नहीं है। तो इन सारे ही सूरतों में 99% लोग अपनी बाइक को धक्का दे के स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब कभी सिचुएशन इस तरह से हो कि अपहिल हो या उबड़ खाबड़ वाला रोड हो, स्लिपरी रोड हो, मिट्टी वाला रोड हो, या आप अकेले हो, तो इन सारे ही सिचुएशन में बाइक को धक्का देकर स्टार्ट करना ना तो इजी होता है और ना ही सेफ होता है। तो आगे इस वीडियो में आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, उससे आप बिना सेल्फ के और बिना किक के जस्ट 10 सेकंड में अपनी बाइक को स्टार्ट कर लोगे। हालांकि ये ट्रिक बहुत ही पुराना है, लेकिन इस ट्रिक का सही तरीका आपको पता होना जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड, सबसे पहले क्या करना आपको कि आपको अपनी बाइक को, मैं आपको दिखाता हूं, डबल स्टैंड में आपको अपनी बाइक को खड़ी कर देना, डबल स्टैंड में खड़ी जैसा ये खड़ी है। उसके बाद जस्ट सिंपली इग्निशन जो स्विच है इसे ऑन कर देंगे हम। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जिस बाइक को स्टार्ट कर रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितना गियर दिया गया है। जैसे यहां पे 4 गियर है, तो इस ट्रिक से स्टार्ट करने के लिए हमें इस बाइक को 2 गियर में लेके आना होगा। अगर आपकी बाइक में 5 गियर दिया गया है तो वहां पे 3 गियर आपको लेके आना है, और अगर 6 गियर दिया गया है तो फिर आप 3 या 4 गियर में इस ट्रिक को अपना सकते हो। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं सिंपली, यहां पे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि अभी जो बाइक है वो न्यूट्रल में है। अब मैं पहले क्या करता हूँ, अब मैं इसे पहले पहली गियर पे लेके आता हूँ। ये देखिए, ये पहली गियर में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से इसे 2 गियर में लाता हूँ। अब देखिए, ये 2 गियर में आ चुका है। अब देखिए, इसके बाद हमें यह करना है कि सिंपली इसके व्हील को, आप चाहे कोई भी व्हील यहाँ पे दिया गया हो, चाहे एलॉय व्हील हो या स्पोक व्हील हो, सिंपली आपको इस तरह से कुछ ग्रिप करके धर लेना है और इस जो व्हील है इसे ऊपर की तरफ आपको पुश करना है और आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि बाइक स्टार्ट हो गई, जस्ट हमने उसे ऊपर की तरफ पुल किया है और ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, जब आप इस ट्रिक से इस बाइक को स्टार्ट कर लो, किसी भी बाइक को स्टार्ट करो आप, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको, जैसे मैंने किया था, न्यूट्रल में लेकर मैं आ गया था, तो आपको न्यूट्रल में कर लेना और फिर उसका बाइक आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप उसे थोड़ी देर आइडल का पोजिशन में छोड़ दें और फिर आप उसे आसानी से चला सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ और बातें बताना चाहूँगा। जब बाइक का जो इंजन है वो कम सीसी का हो, जैसे कि आप इस बाइक का देख रहे हो, और जो पीछे का टायर आप देख रहे हो, अगर ये टायर जो है वो पतला है, छोटा साइज है, तो फिर आपको कम ताकत लगाना पड़ता है इस तरह के बाइक को पुल करके स्टार्ट करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो बाइक का इंजन है वो ज्यादा सीसी का है और जो पीछे का टायर है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा होगा, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन इस ट्रिक से आप अकेले अपनी बाइक को आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।